हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम हर दिन की तरह इस बार भी बात करने वाले हैं कुछ मूवीज़ और सीरीज़ की अपडेट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फर्स्ट अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एक्शन एडवेंचर टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि द क्लाइंबर्स जो एक चाइनीज एडवेंचर एक्शन ड्रामा टाइप की मूवी है, ये आपको बहुत ही जल्द हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी प्राइम वीडियो पर। चांसेस ज़्यादा है कि आपको जनवरी के मौके पर देखने को मिले या फिर इसी महीने के एंड से पहले देखने को मिल जाए। फिलहाल मेरे पास जो लिस्ट आई है प्राइम वीडियो की तरफ से, उसमें इसकी डेट मेंशन नहीं है। तो जो भी हो, अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग हॉरर थ्रिलर टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लास्ट रिलीज भी स्पीक नो इवेल, इसकी हिंदी डब राइट्स है, उसे एक्वायर कर लिया गया है आईऑफ के द्वारा, और बहुत ही जल्द आपको उसकी हिंदी डब की डिजिटल प्रीमियर है वो प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग गुड ओमेंस की सीजन 3 के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो उन सभी को बता दो कि ऑफिशियली अब जाके प्राइम वीडियो ने कंफर्म कर दिया कि आपको उसकी सीजन 3 है वो देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी सीजन 3 है वो इस सीरीज की फाइनल सीजन होगी, जो आप सभी को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। फिलहाल डेट वगैरह अनाउंस नहीं किया गया है और फिलहाल ज़्यादा अपडेट इस पर निकल के अभी तक नहीं आ पाई है। तो जैसे निकल के आती है तो फिर मैं आपको इस पर एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग थ्रिलर ड्रामा टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 2012 में जी भी साउथ कोरिया की क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी कन्फेशन ऑफ मर्डर, इसकी हिंदी डब की राइट्स है, उसे एक्वायर कर लिया गया है आईऑफ के द्वारा, जिसका मतलब है कि आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है वो प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। और फिलहाल उनके तरफ से जो डेट दिया गया है वो है क्रिसमस, तो ये मूवी क्रिसमस के मौके पे आपको प्राइम वीडियो इंडिया पर देखने को मिलेगी। फिलहाल एग्जैक्ट डेट है वो नहीं बताया गया है, लेकिन लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी, यानी दिसंबर की लास्ट वीक। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काफी दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि द गैंगस्टर, द कॉप्स, द डेविल हिंदी डब में हमें देखने को मिलेगी या नहीं, तो उन सभी को बता दो कि इसकी हिंदी डब के रिगार्डिंग मैंने काफी पता किया था, लेकिन कहीं से मुझे इसकी हिंदी डब की कंफर्मेशन वो नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, काफी समय पहले आईऑफ ने इसकी हिंदी डब राइट्स को एक्वायर करने की कोशिश किया था, लेकिन डील फाइनल नहीं हो पाई। तो ऐसे में अगर इन फ्यूचर इसकी राइट्स को दोबारा एक्वायर किया जाता है तो फिर मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, और प्लस इतना बता दूं कि आपको इसकी हिंदी डब वर्जन है वो इंडिया में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा वेट करने को भी पड़ सकता है। तो जो भी हो, फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतनी ही अपडेट है। अगर आप भी किसी सीरीज या फिर मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर पता लगा के आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन, टेक केयर।